कहते हैं भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा है। पिछले लॉकडाउन में भारतीय रेलवे के बंद होने से पैदा हुई भयावहता को खुली आंखों से देखा गया है। खैर, भारतीय रेल और उससे जुड़ी कई बातें लोगों के लिए चर्चा का विषय बन जाती हैं। गौरतलब है कि हाल ही में इंदौर के पातालपानी स्टेशन का नाम भी बदला जा रहा है। इस स्टेशन का नाम बदलकर टंट्या मामा रेलवे स्टेशन किया जा रहा है, लेकिन नाम बदलने से ज्यादा चर्चा इस रेलवे स्टेशन की रहस्यमयी बातों को लेकर है। इतिहासकारों की माने तो खंडवा जिले की पंधाना तहसील के बड़दा में सन 1842 के करीब भाव सिंह के यहाँ टंट्या का जन्म हुआ। पिता ने टंट्या को लाठी गोफन व तीर कमान चलाने का प्रशिक्षण दिया। टंट्या ने धनुर्विद्या में दक्षता हासिल करने के साथ लाठी चलाने की कला में भी महारत प्राप्त की। युवावस्था में ही अंग्रेजों के सहयोगी साहूकारों की प्रताड़ना से तंग आकर वह अपने साथियों के साथ जंगल में कूद गए और विद्रोह करने लगे। अंग्रेजों ने टंट्या भील को फांसी देने के बाद उनका शव पातालपानी के कालाकुंड रेलवे ट्रैक के पास दफना दिया। कहते हैं कि टंट्या मामा का शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन आत्मा अमर हो गई। दरअसल अंग्रेजों से लड़ने वाले टंट्या भील के मंदिर को सलामी देने के लिए ट्रेन 2 मिनट के लिए यहां रोक दी जाती है। कहा जाता है कि सलामी के बाद ही ट्रेन में सवार यात्री सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। यहां रहने वाले लोगों का मानना है कि अगर ट्रेन रुककर सलामी नहीं देती है तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है या फिर गहरी खाई में गिर जाती है। कई लोग तो इस बात को भी मानते हैं कि अगर ट्रेन नहीं रोकी तो ट्रेन ही बंद हो जाती है। इसी बात को मानते हुए रेलवे ने भी इसे अघोषित नियम मानकर नियम बना लिया है। अब जब भी यहां से कोई रेल गुजरती है तो वो रुककर और ट्रेन का हॉर्न बजाकर ही आगे बढ़ती हैं।